बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, अब वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे? दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो ऐसा ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, क्या आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। कांग्रेस शासित राजस्थान में ईडी के छापे लगातार पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे के तमाम कार्यालयों पर इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़े हैं। इसके बाद अब दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिन में ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ते हुए दिखाई देंगे। बात यह है, एक तरफ तो वो अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, अब वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। मेरा ये आरोप है, और ये अगर होता है तो आपको पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह के पास कहां कहां की जानकारी रहती है। किसके पे छापे का आपको आशंका है, अगले 4 दिन में देख लो। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा कि राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में छापे पड़ने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास जानकारी है वो बताती है कि आने वाले 4 दिनों में ये छापे पड़ेंगे। उन्होंने इसे अपना खुले तौर पर आरोप भी बताया है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह खुलासा नहीं किया कि ईडी इनकम टैक्स के छापे किस पर पड़ेंगे, लेकिन यहां पर दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। देखना होगा कि दिग्विजय सिंह का यह आरोप कितना सच साबित होता है। क्या मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ेंगे, तो वक्त बताएगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा। खबर भोपाल से भेजिए सहयोगी रवीश पाल सिंह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रही एमपी तक के साथ।